कृषि पर आधारित एक उद्यम है मधुमक्खी पालन। आज किसानों के लिए मधुमक्खी पालन अतिरिक्त आमदनी का उत्तम जरिया साबित हो रहा है। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती, भूमिहीन कम पढ़े लिखे किसान और महिलाएं भी इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। मधुमक्खी पालन की पूरी कथा इनकी पारिवारिक संरचना के बिना पूरी नहीं होती। रानी मधुमक्खी, ये लंबे उदर व सुनहरे रंग की मधुमक्खी होती है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। संपूर्ण मौन परिवार में एक ही रानी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, जिनकी तादाद 2,500 से 3,000 प्रतिदिन होती है। नर मधुमक्खी या ड्रोन्स गोल काले उदर युक्त व डंक रहित होते हैं। ये प्रजनन कार्य संपन्न करते हैं और उसके उपरांत मर जाते हैं। मादा मधुमक्खी या श्रमिक विकसित डंक वाली श्रमिक मक्खी मौन गृह के सारे काम संचालित करती है। मधुमक्खी पालन के दौरान ये भी देखने को मिलता है कि इसमें मादा मधुमक्खियों की ही महत्ता है, यानी मधुमक्खियों के समाज में महिला सशक्तिकरण साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। दो विषयों को हमने संबोधित किया है। पहला, रोग मुक्त कॉलोनियों की आपूर्ति। पहले विभाजन में हम मधुमक्खियों की 50 कॉलोनियों से शुरुआत करते हैं, फिर 100 और उसके बाद 100 से 200 कॉलोनियां बना सकते हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय के इस केंद्र में हमने प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है। अब हम 2-3 सुपर कक्षों या शहद कक्षों को बनाते हैं ताकि श्रमिक मधुमक्खी की जनसंख्या में वृद्धि हो सके। परिणाम ये निकला कि अब हम प्रति वर्ष प्रति छत्ता 15 से 20 किलो शहद ले रहे हैं। मौन गृह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर रहते हैं। मौन गृह के इसी कक्ष में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इसी कक्ष में किया जाता है। इसके अलावा मौन गृह में 2 ढक्कन होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां मिलती हैं। पालतू प्रजाति है एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा। एपिस सेराना इंडिका एक मध्यम आकार की मधुमक्खी है। इसे एक अच्छे परागकर्ता के रूप में जाना जाता है। एपिस मेलिफेरा या इटालियन प्रजाति एक विदेशी प्रजाति है। इससे 40 से 50 किलोग्राम शहद प्रति वंश प्राप्त किया जा सकता है। जंगली प्रजातियां हैं एपिस डोरसाटी सारंग या पहाड़ी मधुमक्खी। एपिस फ्लेरिया या छोटी मधुमक्खी दूसरी जंगली प्रजाति है। मधुमक्खी पालन करने के लिए उसको अगर वो 50 डब्बों से शुरू करता है जिसमें मक्खियां रखी हों तो उसको 80,000 रुपये का आर्थिक अनुदान उसको दिया जाता है। ऐसे किसान जो सरसों वगैरह उगाते हैं या सेब की बागवानी जहाँ की जाती है वहाँ पे मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन का एक परागण का एक बहुत बड़ा काम करती हैं, जिससे सेब की पैदावार और साथ में सरसों की, जो लोग सरसों की खेती करते हैं उनकी पैदावार बढ़ती है। मधुमक्खियों के लिए शुद्ध प्रदूषण रहित वातावरण लाभकारी और प्रोत्साहित करने वाला होता है। इससे मधुमक्खियां आसपास के वातावरण से पराग और मकरंद एकत्रित करके पर्याप्त शहद का उत्पादन देती हैं। मधुमक्खी पालकों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मधुवाटिका के आसपास शुद्ध व साफ पानी उपलब्ध हो। मधुवाटिका से भोजन स्रोत की दूरी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खियां शहद उत्पादन के लिए सरसों, चना, मेथी, बरसीम, नीम, जामुन, सफेदा, सूरजमुखी, बाजरा, कपास और अरहर आदि के फूलों से मकरंद लेकर मधु का संचय करती हैं। गर्मी के मौसम में मधुवाटिका को किसी छायादार स्थान पर रखना चाहिए और सर्दी के मौसम में मधुवाटिका ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां उन्हें धूप मिलती रहे।
बारिश के मौसम में अधिक नमी होने पर बीमारियों के प्रकोप का खतरा रहता है। मधुखंड के निरीक्षण के समय ये देखते हैं कि किन किन चौखटों में शहद है। इसके पश्चात जमा हुए शहद को चाकू से खरोंच कर मशीन द्वारा परिशोधित मधु प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी पालन से जो उत्पाद हमें मिलते हैं उनमें शहद, मोम, रॉयल जेली, पराग कण, विष और मधुवंश अहम हैं। किसानों को जो डायरेक्ट जो बेनिफिट है इसका, शहद उत्पादन, पराग उत्पादन, जो उसका विष, जो मौन विष है बहुत महंगा है, आर्थराइटिस के लिए सारी एलोपैथिक दवाएं बनती हैं, वो बना सकते हैं। रॉयल जेली जिसकी कीमत लाखों रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अगर शहद उत्पादन के अलावा हमने जो चार पांच उत्पाद और बताए अगर उनको भी हम करें तो इससे कई गुना आमदनी किसान की और बढ़ाई जा सकती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मधुमक्खियां यदि एक रुपए का लाभ मधुमक्खी पालक को पहुंचाती हैं, तो वो 15 से 20 रुपए का लाभ उन काश्तकारों व बागवानों को पहुंचाती हैं जिनके खेतों या बागों में ये परागण व मधु संग्रहण हेतु जाती हैं। तो आइए ये जानें कि मधुमक्खियों के द्वारा परागण से विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है। सेब में 18 से 67% तक की वृद्धि, स्ट्रॉबेरी में 19 से 70%, संतरे में 47 से 80%, पपीते में 15 से 20%, कृषि फसल जैसे सरसों में 25 से 60% और अरहर में 45 से 70% की वृद्धि होती है। कृषि के संदर्भ में मधुमक्खी पालन की उपयोगिता, पूर्ण कुशलता के साथ लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर, स्थानीय संसाधनों का अनुकूल उपयोग, अन्य उद्योगों की अपेक्षा इस व्यवसाय में कम निवेश। ये स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है कि इस व्यवसाय का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाए।